अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए असफल साबित पुलिस होती नजर आ रही है। ताजे मामले में हम बात करें तो कपड़ा दुकान में काम करने वाले युवक की अज्ञात आरोपियों ने बट्टे से मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों ने बताया है कि युवक बुरी संगत में था। पुलिस शक के आधार पर मृतक के दोस्तों की तलाश कर रही है। वहीं रहवासियों का कहना है कि रात में असामाजिक तत्वों का ये इलाका अड्डा बन जाता है। पुलिस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं करती, इसलिए अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। देखा कि बेहोश में स्कूटी में पड़ा हुआ लड़का, नाम पता किया तो प्रिंस कपड़ा मार्केट में काम करता है बताया, और उसको ले गए हॉस्पिटल में उसी की स्कूटी में, और वहाँ थोड़े देर बाद डॉक्टर ने आधा घंटा बाद चेक करने के बाद बताया कि खत्म हो गया। किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मारपीट होने का जाहिर कर रहे हैं और उस आधार पर कार्रवाई की है। दारू पीते और इतनी गंदी गंदी गालियां देते कि आदमी के कोई भी आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम लोग तो ऐसे हैं कि घर के, अब कौन करेगा, यदि कोई बाहर आएगा तो वो तो उसी के ऊपर वो कर लेना ना, तुम कौन होते, बोलने वाले क्या है, इस टाइप का बोलते हैं। पुलिस वाले को कितने बार रिपोर्ट करी है, वो तो पहले हॉर्न बजाए पौं पौं बजाता है जब तक ये लोग फरार हो जाते हैं।